नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखर ठाकुर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर में नेताओं के साथ हाई लेवल मीटिंग की। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां 2 दिवसीय विस्तारित कार्यसमिति बैठक के समापन सत्र में शामिल हुए। यहां सैकड़ों पार्टी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि बीजेपी देश की एकमात्र पार्टी है जिसके पास दृष्टि, नेतृत्व, इरादा, कार्यकर्ता और लोगों का विश्वास है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहें और पार्टी की जीत सुनिश्चित करें। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री और उधमपुर से लोकसभा सदस्य जितेंद्र सिंह, राष्ट्र महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग और बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंदर रैना भी उपस्थित रहे। डेवलपमेंट के लिए कर सकता हूँ वो मैं करूंगा। मीडिया को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ आया हूँ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, यहाँ पर ओपीडी विद इन अ फॉर्टनाइट शॉर्टली शुरू हो जाएगी, इस बात को भी हम सबसे और स्टाफ के रिक्रूटमेंट में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने मीडिया को भी बताना चाहता हूं और यहां बैठे हुए नेताओं को भी बताना चाहता हूं, और ये मैं क्योंकि आई एम कम्युनिकेटिव इसलिए मैं कोई बात छुपा के नहीं रखता हूं। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस डू नॉट डेवलप इन वन डे, टू डे, थ्री डे, इट नीड्स एटलीस्ट अ डिकेड। बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई कोर ग्रुप की बैठक में भी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। इसमें आम लोगों तक पहुंच बनाने और मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान पर नजर रखते हुए ज्यादा से ज्यादा मतदाता बनाने पर जोर दिया गया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से 50+ सीट लेने के लिए पूरी ताकत झोंक देने का आह्वान किया। जेपी नड्डा ने पार्टी पूर्व विधायकों एवं मंत्रियों के साथ भी चर्चा की। सूत्रों ने बताया है कि बैठक में चुनाव के मद्देनजर पार्टी के कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। इसमें शक्ति केंद्रों और बूथों की सक्रियता पर जोर दिया गया। कई मोर्चों और प्रकोष्ठों की भूमिका बढ़ाने के साथ वरिष्ठ और संभ्रांत लोगों से भी मिलने जुलने का कार्यक्रम तय करने को कहा गया। ये तय किया गया कि सभी कार्यक्रम 20 से 22 अगस्त से पहले पूरे कर लिए जाएं ताकि चुनाव की घोषणा होने के साथ ही पार्टी पूरी तरीके से तैयार नजर आए। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जो यहाँ डेवलपमेंट के काम किए, जो अमन, शांति और खुशहाली जम्मू कश्मीर में आई है, जो जम्मू कश्मीर में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ जो मोदी साहब ने काम किया है, उसी का परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर खुशहाल है। आज देश और दुनिया भर से करोड़ों लोग जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के, विकास के नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, यहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, इसके लिए माननीय जगत प्रकाश नड्डा साहब ने आज कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। आने वाले दिनों में लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस आह्वान को पूर्ण करने के लिए पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर के कोने कोने में काम करेंगे। विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में बीजेपी सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों को उतारने के लिए काम करेगी। केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी ने जोर दिया कि जम्मू कश्मीर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को मजबूत बनाने के लिए काम किया जाएगा। वहीं पार्टी ने कश्मीर केंद्रित जिस सीटों पर जीत संभावित है, निर्दलीय उम्मीदवारों की तलाश करने के भी संकेत वहां पर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी पार्लियामेंट के साथ असेंबली इलेक्शंस चाहती थी, परंतु चुनाव आयोग ने सुरक्षा कारणों को लेकर उस वक्त कहा था कि पार्लियामेंट के चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव कराना संभव नहीं है। अतः पार्लियामेंट के चुनावों के बाद अब चुनाव आयोग को घोषणा करनी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और जनता के सहयोग, सपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा।
हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं जहां जम्मू की दो सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। उधमपुर सीट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू सीट से जुगल किशोर शर्मा ने जीत की हैट्रिक लगाई। कश्मीर घाटी की दो सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत का परचम लहराया, लेकिन इस बार अब 10 के बाद लड़ाई विधानसभा की है तो आंकड़ों की बात भी होनी जरूरी है। ऐसे में आपको 10 साल पहले जम्मू कश्मीर में हुई चुनावी पार्टी वाइज आंकड़े को समझाना आपके लिए जरूरी है। आपको दिखाते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट और कितने प्रतिशत वोट शेयर अब तक हासिल हो चुके हैं। ये 2014 जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ ये देखिए। पार्टी बीजेपी 25 सीटें, वोट शेयर था 23.2%। पीडीपी 28 सीटें उनके हाथ लगी और वोट प्रतिशत था उनका 22.9%। एनसी 15 सीटें मिली और 21% वोट शेयर रहे। कांग्रेस को 12 सीटें मिली 18.2%। निर्दलीय 3 सीट पर काबिज हुए और वोट शेयर उनका था 6.9% और अन्य के खाते में 4 सीटें और वोट शेयर था 7.8%। तो ये आंकड़ा 2014 का है और 2014 जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में ये कुछ आंकड़े हैं जो आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि अब पूरा का पूरा फोकस है 2024 में, यानी जब आप चुनाव होंगे तो फिर क्या होगा। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने आपको सीटें बताई, जो आंकड़े बताए, वो 2014 में 87 सीटों पर जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था, ये आंकड़े उसके थे। अब 35 साल बाद इस बार लोकसभा चुनाव में घाटी में रिकॉर्ड वोटिंग हुई। किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले ये भी अब आपको बताते हैं। घाटी में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर में 35 साल बाद 58% से ज्यादा वोटिंग हुई, जिसमें 24.32% वोट शेयर के साथ बीजेपी सबसे अव्वल पर रही। इसके साथ ही निर्दलीय उम्मीदवारों के वोट शेयर 23.89% रहे। जेकेएनसी ने 22.42% वोट शेयर हासिल किया। कांग्रेस ने 19.28% वोट शेयर हासिल किए। पीडीपी को 8.56% वोट शेयर पर ही संतोष करना पड़ गया। लोकसभा चुनाव के दौरान घाटी में बड़े उलटफेर देखे गए। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ उमर अब्दुल्ला को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर की प्रमुख पार्टियों में से एक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने महज 8.56% वोट ही हासिल किए, लेकिन वोटिंग शेयर के आंकड़े को अगर देखा जाए तो जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट शेयर 22.42% हो गया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां उमर अब्दुल्ला की पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है। बताया जाता है कि ये जम्मू कश्मीर में बीजेपी के कोर वोटर्स हैं। ऐसे में घाटी में बीजेपी को फायदा होना इस समय निश्चित माना जा रहा है। आपके सामने साल 2014 विधानसभा और साल 2019 लोकसभा चुनाव के वोट शेयर को भी रख देते हैं। अब देखिए घाटी में बीजेपी को कैसे फायदा हो सकता है, वोट प्रतिशत क्या है। बीजेपी 2014 में विधानसभा चुनाव में 23.2% वोट प्रतिशत उनका था। वोट शेयर 2019 में लोकसभा चुनाव में 46.40% वोट शेयर बीजेपी के लिए था। यानी अब जब विधानसभा चुनाव होंगे तो जो कोर वोटर्स वहां के हैं, जो बीजेपी के हैं, जो लोकसभा में उन्हें वोटिंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं विधानसभा में शिफ्ट हो जाएंगे और इसका पूरा का पूरा जो फायदा है वो बीजेपी को मिलने वाला है। अब आपको 2024 में जम्मू कश्मीर के लोकसभा चुनाव का जनादेश दिखाते हैं। किस पार्टी को कितनी सीटें और कितने प्रतिशत वोट मिले। 2024 जम्मू कश्मीर का जनादेश क्या कहता था, पार्टी और सीट वाइज और वोटिंग परसेंटेज क्या है। देखिए बीजेपी 2 सीटें, वोट शेयर 24.36%। जेकेएनसी 2 सीटें, वोट शेयर 22.30%। पीडीपी के खाते में एक भी सीट नहीं, लेकिन वोट शेयर उनका 8.56% रहा। निर्दलीय के खाते में एक, वोट शेयर उनका रहा 23.94%। और इसलिए कहा जा रहा है कि अब जब घाटी में विधानसभा चुनाव होंगे तो इसका पूरा का पूरा फायदा जो है वो बीजेपी को डेफिनेटली मिलने वाला है और इसी को लेकर के बीजेपी इस समय तैयारी कर रही है। जम्मू कश्मीर में नवंबर दिसंबर 2014 में विधानसभा चुनाव हुए। इसके बाद 2015 में पीडीपी भाजपा गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन जून 2018 में भाजपा के समर्थन वापस ले लेने से सरकार गिर गई। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार उससे पहले नहीं है और अब 10 साल बाद चुनाव होना है। ऐसे में किस रीजन में कितनी सीटें हैं और कहां कौन मजबूत स्थिति में है, अब आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में विधानसभा चुनाव की कुल 90 सीटें हैं। जम्मू रीजन में है 43 सीटें, कश्मीर रीजन में है 47 सीट। 2014 में 87 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें जम्मू की 37 और कश्मीर घाटी की 46 सीटों के अलावा 6 सीटें लद्दाख की थी। तब घाटी में ज्यादा सीटें होने के कारण जो भी वहां जीत जाता था सरकार बना लेता था, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस होगा जम्मू रीजन के ऊपर। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी का फोकस क्यों है ये भी समझिए। 2014 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 25 सीटों पर चुनाव जीती, जम्मू रीजन में 43 सीटें थी।
2024 में बीजेपी का 43 सीटों पर पूरा का पूरा फोकस रहने वाला है। वहीं बीजेपी इस चुनाव में छोटे दलों और निर्दलियों पर भी फोकस करेगी। मौजूदा वक्त में बीजेपी के साथ कौन कौन सी पार्टियां हैं, अब ये भी आपको जरा बता दें। बीजेपी के साथ कौन कौन सी पार्टी है? पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के सज्जाद गनीलोन, अपनी पार्टी के चेयरपर्सन सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, जम्मू कश्मीर के छोटे दल और निर्दलीय प्रत्याशी, ये भी बीजेपी के साथ है। 2014 में भी निर्दलियों ने बीजेपी का ही साथ दिया था। लोकसभा चुनाव के दौरान ही घाटी में भी इंडिया अलायंस की एकजुटता फ्लॉप नजर आई। घाटी में इंडिया अलायंस किस तरीके से मुखर कर आया सामने, वो भी समझे। लोकसभा में एनसी और कांग्रेस का गठबंधन, विधानसभा चुनाव में गठबंधन वाली पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है? क्या साथ लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे, जैसा कि बाकी राज्यों में हो रहा है? अब घाटी में सवाल है महबूबा और सीपीएम का। आखिर ये दोनों पार्टियां किस करवट बैठने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि 2024 के विधानसभा चुनाव में सीपीएम किसके साथ चुनाव लड़ेगी? लेफ्ट के नेता उमर या महबूबा के साथ लड़ेंगे चुनाव या फिर अकेले लड़ेंगे? 2024 के विधानसभा चुनाव में महबूबा पार्टी का रोल कितना अहम हो जाएगा? अब जानते हैं 370 की समाप्ति के बाद बीजेपी के लिए यहां का चुनाव काफी प्रतिष्ठा का बना रहा। आतंकवाद में कमी और बदले माहौल में बीजेपी को काफी ज्यादा उम्मीदें इस बार हैं। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को बहुमत पार करने से रोक दिया था और ऐसे में सवाल फिर से यही उठता है कि क्या ये दल विधानसभा में एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे या अलग हो जाएंगे? जम्मू के कई छोटे दलों पर बीजेपी भी अपनी नजर गड़ाकर बैठी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 साल बाद हो रहे चुनाव में घाटी की जनता किस मुद्दे पर आखिरकार वहां पर वोट करती है।